अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि डुअल मेंबरशिप का क्या इफेक्ट है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया डीलिमिटेशन को, सेक्शन नंबर 10 को, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो डीलिमिटेशन है उसका क्या स्कोप है और डीलिमिटेशन का की जो डेफिनेशन है वो क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ काउंसिल एंड क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है टू बिकम अ टू डिसक्वालीफाई द मेंबर ऑफ द काउंसिल। क्वालिफिकेशन के अंदर हमने डेफिनेटली ये चीज़ डिस्कस की कि कोई भी अगर शख्स मेंबर बनना चाहता है काउंसिल का तो उसको जो है उसकी जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए और उसकी जो उस वो जो है इलेक्टोरल रोल के अंदर इनरोल होना चाहिए और जो है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। डेफिनेटली जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चले जाएं, अगर कहीं भी इलेक्शन होती है, चाहे फिर वो सूबाई हो, चाहे फिर वो इलाकाई हो, या फिर जो है वो प्रोविंशियल, या फिर वो जो है आपकी पाकिस्तान लेवल पर इलेक्शन हो, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वही क्राइटेरिया यहाँ पर मैंशन है। उसके बाद आज हम देखेंगे कि डुअल मेंबरशिप का क्या इफेक्ट है। प्रोहिबिशन ऑन डुअल मेंबरशिप सेक्शन नंबर 37 से ऑनवर्ड आज हम चलेंगे। सेक्शन नंबर 37 जो है डिस्कस करता है, वो करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डुअल मेंबरशिप। अब प्रोहिबिशन ऑफ डुअल मेंबरशिप का स्कोप क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डुअल मेंबरशिप की मीनिंग क्या है। देखें, अगर एक शख्स दो जगह इनरोल है, यानी कि एक ही काउंसिल के अंदर अगर वो दो सीट्स पर जीत जाता है, तो क्या वो जो है आगे फर्दर दोनों सीट्स के लिए एलिजिबल है, या वो जो है एक ही साथ दोनों जगह को रख सकता है या नहीं, यानी कि दोनों सीट्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जब हम बेरेक रीडिंग की तरफ जाते हैं तो इस नो डाउट कि इस पूरे के पूरे एक्ट की बेरेक रीडिंग बहुत ही ईजी है। जब हमने सेक्शन नंबर 3 देखा डेफिनेशन क्लाजेस के अंदर, तो वो बहुत ही ईजी टर्म्स थे। फर्दर आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 37 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑन ड्यूअल मेंबरशिप। तो सेक्शन नंबर 37 ने कहा कि सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड की मीनिंग क्या है, सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड की मीनिंग ये है कि अगर यही चीज कहीं और लिखी है इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर, अगर यही चीज कहीं और मेंशन है तो उसको ज्यादा फोकियत दी जाएगी। और अगर जहां वर्ड आ जाए नॉट विथ स्टैंडिंग, तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब यह है कि बाकी सब चीजों को छोड़ के आप जो है इस चीज को ज्यादा फोकियत दें, इस चीज को ज्यादा अहमियत दें। तो यहां पर ये बात कर रहा है, नो सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट पर्सन शल एट द सेम टाइम बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन काउंसिल। अगर यही चीज कहीं और मेंशन है तो एक शख्स एक ही टाइम में दो सीट्स का, दो जगह का, दो काउंसिल, एक ही काउंसिल के अंदर दो जगह का मेंबर हो सकता है। नथिंग कंटेंट सेक्शन 1 शल प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ टू और मोर सीट्स इन द सेम काउंसिल। एक ही काउंसिल के अंदर वो मेंबर बन सकता है अगर सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 की अगर बात की जाए तो, बट इफ ही इज इलेक्टेड, यहां पर बट आ गया, लेकिन अगर वो इलेक्टेड है टू मोर देन वन सीट, अगर वो इलेक्ट किया जाता है मोर देन वन सीट के लिए, ही शल विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज, तो वो 15 डेज के पीरियड के अंदर, 15 दिन के पीरियड के अंदर अंदर डिक्लेयर करेगा रिजल्ट ऑफ लास्ट सच सीट, रिजाइन All but one of his seat be addressing a letter of election commission of Pakistan, यानी कि वो एक ही सीट के लिए एलोकेट किया जाएगा, वो बाकी तमाम के तमाम सीट्स को फाइनली छोड़ देगा और वो प्रेफरेंस देगा एक ही सीट को, और वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की तरफ जो है अपना लेटर भेजेगा ECP की तरफ। एंड इफ ही डज नॉट सो रिजाइन, अगर वो रिजाइन नहीं करता तो क्या होगा, ही शल बी डीम्ड टू हैव रिटेन्ड द सीट, तो वो रिटेन करेगा उस सीट के लिए। अब यहाँ पर जो वर्ड आया शल, ही शल बी, अच्छा देखें, जहां पर शल आ जाए तो वो मैंडेटरी प्रोविजन है, जहां पर मे आ जाए तो वो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। टू विच ही वॉज इलेक्टेड लास्ट, जिसके लिए वो इलेक्ट किया गया था लास्ट, यानी कि अगर वो रिजाइन नहीं करता तो वो जिस सीट के लिए इलेक्ट किया गया था लास्टली, तो वो जो है उस सीट के लिए एलोकेट किया जाएगा। इफ ही हैज बीन इलेक्टेड टू मोर देन वन सीट ऑन द सेम डे, और वो इलेक्ट किया जाए, इलेक्ट कर लिया जाए मोर देन वन सीट के लिए सेम ही डे के लिए, द सीट फॉर इलेक्शन टू विच हिज नॉमिनेशन वाज लास्ट फाइल, तो जिस सीट के लिए उसकी नॉमिनेशन लास्ट टाइम फाइल की गई थी उस चीज को वो ज्यादा प्रेफर देगा। वेयर अ पर्सन हैज बीन इलेक्टेड टू मोर देन वन सीट इन द सेम काउंसिल, अगर वो एक शख्स एक ही काउंसिल के अंदर मोर देन वन सीट के लिए इलेक्ट किया जाता है, ही शल नॉट सिट इन एनी सच काउंसिल until he resign all but one of his seat. यहाँ पर भी सेम बात की गई कि अगर एक शख्स एक सीट से ज्यादा बैठ नहीं सकता,
एक सीट से ज्यादा वो अपने परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो यहाँ पर यही बात की गई कि एक शख्स जो है वो एक ही सीट पे बैठेगा और बाकी तमाम के तमाम जो भी उसकी सीट्स हैं उनको रिजाइन कर देगा कितने दिन के अंदर। फर्दर बात की गई कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉट हेयर एट द सेम टाइम नथिंग कंटेंट सबसेक्शन 1 शैल प्रिवेंट द मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट टू सीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड वाइस वर्सा द सीट हेल्ड बाय द सेम शैल स्टैंड वेकेंट एज सून एज इलेक्टेड टू द न्यू सीट। जब वो एक सीट उसकी वीकेंट हो जाएगी तो उस सीट के बरक्स दूसरा शख्स आ जाएगा, यानी कि उसने एक सीट छोड़ दी, दूसरी सीट को जो है उसने प्रेफरेंस दी, जब वो दूसरी सीट को प्रेफरेंस देगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर कोई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ जाएगा। अ मेंबर इफ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर एक मेंबर ऑफ द काउंसिल इलेक्ट किया जाए एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो क्या होगा, और द प्रोविंशियल असेंबली हिज सीट एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल शैल स्टैंड वेकेंटेड ऑन द हिज टेकिंग ओथ ऑन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ प्रोविंशियल एज द केस मे बी। यहाँ पर भी यही सेम बात कर रहा है कि डेफिनेटली जब वो प्रोविंशियल असेंबली या फिर जो है पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया जाएगा तो वो जो है अपनी काउंसिल की सीट को छोड़ देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 क्या बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असाइन द इलेक्शन। एग्जीक्यूटिव क्या अथॉरिटी है टू असाइन द इलेक्शन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द प्रोविंस टू असाइन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो भी परफॉर्मेंस हैं, उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं कि वो असाइन करें उनके फंक्शंस को, ECP के फंक्शंस को। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 ने बात की इलेक्टोरल रोल्स के, इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बात की कि इलेक्टोरल रोल्स क्या हैं। सेक्शन नंबर 39 ने ये कहा कि अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड एज अ वोटर, कोई भी शख्स जो वोटर की लिस्ट में आता है, कोई भी शख्स जो वोटर वोट देना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, डेफिनेटली वही क्राइटेरिया होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल असेंबली और जो है हमारे पास हम जो वोट्स कास्ट करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर ये बात कर रहा है ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जब तक वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा डेफिनेटली वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। उसके बाद बात कर रहा है ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा वहाँ पर बात की, प्रीवियसली हमने क्या बात की थी कि वो जो है 21 ईयर्स एज होना चाहिए अगर वो काउंसिल का मेंबर बनता है, अगर काउंसिल का मेंबर बनेगा तो उसकी एज जो है 21 ईयर्स एज है, अगर वो इलेक्शन के लिए अगर वो वोटर लिस्ट में आना चाहता है वोट कास्ट करना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें समझ में आ गया। फुलफिल सच अदर कंडीशंस ऑफ द ECP में स्पेसिफाई, और अदर कंडीशंस जो भी अदर कंडीशंस जितनी भी कंडीशंस हमारे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफाई की है वो सारे के सारे कंडीशंस पे वो फुलफिल करें। उसके बाद फर्दर ये कह रहा है द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द काउंसिल इलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड, और जो इलेक्शन काउंसिल है उसके जो भी आपके इलेक्टोरल रोल्स हैं वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए और एडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज सच मैनर एज इट मे बी डीम एप्रोप्रिएट एंड द इलेक्टोरल रोल्स शुड नॉट बी इनवैलिड बाय रीजन ऑन एनी डिस्क्रिप्शन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एनी पर्सन लिस्टेड और द ओमिशन ऑफ द नेम एनी पर्सन एंटर्ड। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि कोई भी शख्स अगर वोट कास्ट करता है काउंसिल के मेंबर का तो डेफिनेटली उसका जो नाम है वो इलेक्टोरल लिस्ट में आना नेसेसरी है, अगर उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं आता किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी ग्राउंड की वजह से, तो वो जो है वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे सब क्लास 2 के अंदर हमें यही स्पेसिफाई किया गया कि अगर कोई शख्स वोट कास्ट करना चाहता है तो उसका नेम आना चाहिए इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर। तो इलेक्टोरल रोल्स के अंदर हमने क्या चीज़ देखी, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, वो 18 ईयर्स एज होना चाहिए और जो है वो कंडीशंस फुलफिल करे, ECP ने जो भी स्पेसिफाई की हो कंडीशंस, और उसका नाम आना चाहिए इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर। अब हमने सेक्शन, अब इसको हम देखते हैं सेक्शन नंबर 37 ने क्या बात की कि प्रोहिबिशन ऑफ ड्यूअल मेंबरशिप, कि प्रोहिबिट करेगी ड्यूअल मेंबरशिप के ऊपर, एक शख्स एक ही टाइम के ऊपर एक ही सेम शख्स जो है ड्यूअल मेंबरशिप नहीं ले सकता, यानी कि ड्यूअल सीट्स पर नहीं बैठ सकता। उसके बाद हमने देखा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असाइन द इलेक्शन के बारे में सेक्शन 38, सेक्शन 39 ने क्या बात की इलेक्टोरल रोल्स के बारे में, सेक्शन 39 फर्दर क्या बात करता है, सेक्शन 39 में सिर्फ और सिर्फ यही बात की जा रही है कि इलेक्टोरल जो रोल है उसके अंदर कौन कौन इनरोल हो सकता है, कौन कौन वोटर लिस्ट के अंदर कौन कौन वोट कास्ट कर सकता है। The Election Commission of Pakistan may appoint a person as officer
असिस्टेंट रिजाइन ऑफिस ऑफ टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पर भी ये सही बात सेम बात कर रहे हैं कि एक शख्स, अगर कोई भी शख्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अपॉइंट किया जाता है तो वो जो है रिटर्न किया जाएगा ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्न ऑफिसर ऑफ टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। होपफुली ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ चुका। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब।